हिंदी फिल्मों और थिएटर की जानी मानी अभिनेत्री दीना पाठक को अभिनय जगत में एक विशेष स्थान हासिल है। उन्होंने भारतीय सिनेमा जगत में न सिर्फ अभिनय के क्षेत्र में शोहरत हासिल की, बल्कि थिएटर जगत को सिनेमा के साथ जोड़ने में बेहद अहम भूमिका भी निभाई। आज़ादी से पहले महिलाओं का रंगमंच से जुड़ाव बेहद कम होता था। ऐसे समय में भी दीना पाठक ने रंगमंच को अपनी कर्मभूमि बनाया और उसमें सफलता हासिल करने की कोशिश की। अंग्रेजों से लड़ाई की जंग में भी दीना पाठक ने अपना योगदान दिया। उन्होंने नुक्कड़ नाटकों द्वारा जनता को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। गुजराती थिएटर को अपनी पहचान दिलाने में दीना पाठक का बेहद अहम योगदान रहा है। 1940 से ही दीना पाठक गुजराती थिएटरों में काम करने लगी थी। दीना पाठक की बेटियां रत्ना पाठक और सुप्रिया पाठक भी हिंदी कला जगत की चर्चित अभिनेत्री हैं। दोनों ने टीवी कार्यक्रमों में भी अपनी छाप छोड़ी है। दीना पाठक का जन्म गुजरात के अमरेली में 4 मार्च 1922 को हुआ था। तब उनका नाम दीना गांधी था। उनकी परवरिश पूना और बंबई में भी हुई थी, इसलिए वो मराठी भी अच्छी तरह बोल लेती थी। उनके पढ़ाई के दिनों में आज़ादी का आंदोलन अपने जोरों पर था, इसलिए उन दिनों शेरी नाटक का भी खूब चलन था। दीना गांधी भी उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। वे खासकर महिला जागृति के लिए कार्यशील थी। आज़ादी के आंदोलनों का हिस्सा लेने की वजह से वो कई बार जेल भी गयी। उनकी बड़ी बहन शांता गांधी और छोटी बहन तरला भी थिएटर से जुड़ी थी। शांता गांधी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थी, जबकि तरला गांधी बाद में धर्मेंद्र की आरंभिक फिल्म शोला और शबनम की नायिका भी बनी थी। दीना गांधी की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी का आलम ये था कि बंबई की सेंट जेवियर्स कॉलेज को उन्हें निकाल देना पड़ा। बाद में उन्होंने दूसरे कॉलेज में पढ़ाई करके बीए की डिग्री हासिल की थी। आज़ादी के बाद स्ट्रीट प्ले जैसे कार्यक्रम बंद हो गए। उनके माता पिता ने उसका विरोध तो नहीं किया, मगर कहा कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, फिर वो जो चाहे कर सकती हैं। तब दीना गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ता रमेश संघवी से शादी की, लेकिन दोनों के रास्ते अलग होने की वजह से शादी के एक ही साल में वे अलग हो गए थे। शादी के अलगाव के बाद दीना ने अपना पूरा ध्यान इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा में लगा दिया। यहाँ बलराज साहनी और एके हंगल जैसे अभिनेताओं के साथ नाटकों में हिस्सा लेते हुए उन्हें लगातार अलग अलग अनुभव होते रहे। दीना का नाटक मीना गुर्जरी उन दिनों काफी लोकप्रिय था। वे गुजरात के लोक संगीत भवाई की अच्छी कलाकार थी, साथ ही उस कला की सुरक्षा में भी पूरे मन से लगी रहती थी। उनका ग्रुप जहाँ अपनी रिहर्सल करता था उसी के पड़ोस में मोहन स्टूडियो हुआ करता था, इसलिए ग्रुप के कलाकार भी वहाँ शूटिंग देखने जाया करते थे। वहाँ बिमल रॉय के सभी सहायकों से दीना मिलती थी, जिनमें ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार, बासु भट्टाचार्य भी शामिल थे। बासु भट्टाचार्य ने उसकी कहानी फिल्म में उन्हें काम देकर हिंदी फिल्मों का सफर प्रारंभ करवाया, लेकिन उनका करियर सही मायनों में शुरू हुआ बासु चटर्जी की 1966 में आई फिल्म सारा आकाश से। इस बीच उन्होंने बलदेव पाठक से शादी कर ली थी और दो बेटियों सुप्रिया और रत्ना की माँ भी बन चुकी थी। थिएटर जगत से जुड़ी होने के कारण दीना पाठक ने अधिकतर फिल्में कला निर्देशकों के साथ की। कमर्शियल फिल्मों की चमक दमक उन्हें पसंद नहीं थी। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में मौसम, किनारा, किताब, चितचोर, घरौंदा, गोलमाल, खूबसूरत जैसी फिल्में शामिल हैं। 80 के दशक के सबसे चर्चित टीवी शो मालगुड़ी डेज में दीना पाठक नजर आई थी। दीना पाठक की आखिरी फिल्म साल 2003 की पिंजर थी। काम के प्रति दीना पाठक की कर्तव्य निष्ठा ऐसी थी कि फिल्म देवदास के गीत डोला रे डोला के फिल्मांकन के समय उनको तेज बुखार था, फिर भी सेट पर वे सबसे पहले आ जाती थी। फिल्म लज्जा में बेटियों की सामाजिक हालत के लिए अपनी पीढ़ी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने जो कहा वो सिर्फ फिल्मी संवाद नहीं था, बल्कि महिला उद्धार के लिए अपने निजी जीवन में भी वे उतनी ही प्रयत्नशील थी। वो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन जैसे भारतीय स्तर के महिला संगठन की अध्यक्षा भी रही। अपने लंबे करियर में दीना पाठक ने हर पीढ़ी के कलाकारों के साथ काम किया था। उनके निर्देशकों ने भी अपनी फिल्मों में उन्हें बार बार दोहराया था। फिर वो ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी या गुलजार हों या कि फिर केतन मेहता। 4 मार्च 1922 को जन्मी दीना पाठक 11 अक्टूबर 2002 को समाज, फिल्म और थिएटर जगत में अपनी अमिट छाप छोड़कर अनंत में विलीन हो गईं।
आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइटिंग एंटरटेनमेंट।